बच्चों अब चलो हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जो कि पेज नंबर 17 भी पर गिवन है, सेम पेज पर। सो बी रेडी विद योर बुक एंड टेक आउट द सेम पेज। पहला प्रश्न है हमारा चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। इसमें क्या दिया है बेटा, आपको चित्र दिए हुए हैं, इनको देखना है और यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले हम क करते हैं शुरू, पारस डैश ला। पारस क्या, ला क्या बना हुआ है, ये बाजा। तो क्या लिखेंगे इसमें, बाजा, पारस बाजा ला। ख रस भरा डैश काट कर खा। रस भरा क्या काट के खाने के लिए कह रही थी वो, किसकी पिक्चर है ये, आम की, आम है आम। रस भरा आम काट कर खा, पूर्ण विराम। ग घर पर डैश लगा, ये किसकी पिक्चर दी, घर पे क्या लगाने के लिए बोल रही थी, क्या करते हैं लॉक, ताला। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, घर पर ताला लगा। नाउ टेक टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18, जिस पे प्रश्न दो दिया हुआ है आपका। प्रश्न दो जो है वो है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। आपको इसमें तीन प्रश्न दिए हुए हैं, तीन में दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा। आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक मार्क। सो नाउ लेट अस डू क। क पारस ने क्या बजाया, पारस ने क्या बजाया था, टू ऑप्शंस आर देयर, बाजा या तबला। क्या बजाया था, बाजा, तो बाजा पे हम टिक मार्क करेंगे, ये राइट आंसर है क्योंकि। ख पारस कैसा आम लाया, पारस कैसा आम लाया, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, रस भरा लाया या लाल लाया, कैसा लाया था, रस भरा, रस से भरा हुआ, तो इस पे हम टिक कर देंगे। ग पार्ट जो है हमारा प्यारे बच्चों, पारस ताला लगाकर कहाँ गया, पारस जो है वो लॉक करके कहाँ गया था, दो ऑप्शन है बाजार या पाठशाला, कहाँ गया था, मार्केट गया था, बाजार। सो बाजार इज द राइट आंसर, सो पुट अ टिक मार्क। नाउ अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और प्रश्न तीन करते हैं। उचित स्थान पर आ की मात्रा लगाओ और बोलो। इसमें आपको आ की मात्रा लगानी है, जैसे पहला दिया हुआ है ब आ की डंडा लगाएंगे और द ल बादल, ग म ला ले के आ की डंडा लगा देंगे तो बन जाएगा गमला। नेक्स्ट है हमारा एच चे रे दिया हुआ है, जब हम चे के आ का डंडा लगा देंगे तो ए चार है अचार पिकल। यहाँ पे ते दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है रे, तो क्या लिखेंगे, ते आ का डंडा लगा देंगे रे तार वायर। नेक्स्ट है हमारा पे ले के दिया हुआ, जब पे के आ का डंडा लगेगा तो बनेगा पा ले के पालक स्पिनच, जो वेजिटेबल होती है। फोर्थ है हमारा रंग पहचान कर उसी रंग की वस्तु पर सही ई का निशान लगाओ। जो आपको रंग दिया हुआ है, ये तीन रंग दिए हुए हैं आपको, लाल काला और हरा, आपको तीन रंग दिए हुए हैं बेटा बुक में, देखो आप लाल काला और हरा, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं जो इस रंग की हैं, उस पर टिक मार्क करें। पहला लाल है, लाल क्या है, टोपी लाल है ना, तो हम उस पर कर देंगे कैप पे। बच्चों दूसरा है हमारा काला, तो पहले हम देखेंगे ये पहला जो है हमारा ये संतरा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये कप है और ये क्या है हमारा कौवा है ना, तो काला क्या है, कौवा है ना, तो कौवे के आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है हरा, ग्रीन, ग्रीन क्या है, फर्स्ट क्या है ये अमरूद, नेक्स्ट क्या है खरगोश और ये एक फ्रॉक दी हुई है जो कि ब्लू कलर की है, तो आप कौन से हरा कलर, कौन सा इनमें से, अमरूद का हरा कलर है ना, तो इस पे सही का निशान लगा देंगे।
प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ दोबारा से पढ़ना है, कठिन शब्द रिवाइज करने हैं, और जो इस पाठ की एक्सरसाइज है बुक में, वो सारी आपको अच्छे से स्पेलिंग के साथ रिवाइज करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क।